नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तबीयत से अपनी ज़िंदगी के लिए मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, ये वीडियोस उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो बार बार मुझसे कमेंट सेक्शन में एक ही चीज़ पूछे जा रहे हैं कि भैया मैथ्स का क्या करें, मैं एक बिगिनर हूँ, मुझे अभी नहीं पता है कि मैं मैथ्स को कहाँ से करूँ, क्या करूँ, मैं अभी कॉलेज के थर्ड ईयर में हूँ, मैं कॉलेज के फोर्थ ईयर में हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए है कि आप मैथ्स का पूरा सिलेबस फुल टू फुल फ्री YouTube से कैसे कर सकते हैं और कौन सी बुक्स आपको पर्टिकुलरली फॉलो करना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि मैथ्स में SSC में दो पैरेलल चीज़ें चलती है। एक का नाम होता है दोस्तों कैलकुलेशन और दूसरा होता है हमारी थ्योरी। तो दोस्तों कैलकुलेशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी तो क्वेश्चन बनते हुए भी आपसे नहीं होगा। पिछले 2 साल से SSC ना कोई नया क्वेश्चन डाल रही है, ना कोई नया कॉन्सेप्ट डाल रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो एक चीज़ जिससे SSC खेल रही है उसका नाम है कैलकुलेशन। वो अपने पेपर को कैलकुलेटिव बना देती है, क्वेश्चंस को कैलकुलेटिव बना देती है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि 3375 किसका क्यूब है तो आप जल्दी से क्लिक करके नहीं कर पाएंगे और आपको क्यूब बेसिक तरीकों से निकालना पड़ेगा। तो पहली बात तो हम करते हैं दोस्तों कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन में आप मेरी टारगेट सीरीज फॉलो कर सकते हो, आपको मेरे चैनल पर मेरी टारगेट सीरीज मिल जाएगी, उसमें भी मैं कैलकुलेशन बनाता हूँ और कैलकुलेशन की एक पर्टिकुलर वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पर डाली हुई है, जाके उसको देखो। कैलकुलेशन में जनरली हम क्या करते हैं, कोई भी रैंडम नंबर लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, उनको ऐड करते हैं। स्क्वायर हमको 1 से 70 तक याद होना चाहिए, क्यूब हमको मिनिमम 1 से 30 तक याद होना चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो होता है कि 1/2 50% होता है, 1/3 33.33% होता है, फिर 1/4 25% होता है, ये चीज़ें हुई, ठीक है। फिर उसके बाद पाइथागोरस सेपरेट आपको याद होना चाहिए कम से कम 15 से 20, है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा कैलकुलेशन ड्रिल करते हैं तो वो भी मेरे हिसाब से हानिकारक है। आपको सिर्फ आधा घंटा अपनी बेसिक कैलकुलेशन पे देना है। कोई भी प्रकार का ऐप फ़ोन में डालने से आप दूसरी तरफ की चीज़ें ज़्यादा डाइवर्ट होंगे। तो मेरा मानना यह है कि आप बेसिक कैलकुलेशन पर अड़े रहें और बेसिक नंबर्स लिख के अगर आप उनसे ही खेलना सीख जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा फायदे बनाएंगे। ये थी दोस्तों बात कैलकुलेशन की। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ्स की। तो दोस्तों मैथ्स में जो SSC का सिलेबस है वो 2 पर्टिकुलर सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है अर्थमेटिक और एक होता है एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में जनरली 4 से 5 चैप्टर माने जाते हैं, जिसमें जो नाम होते हैं एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम भी कभी कभी मान लिया जाता है कि वो एडवांस मैथ्स का टॉपिक है। ये 5 टॉपिक जो होते हैं ये हमारे एडवांस मैथ्स के होते हैं और ये 5 टॉपिक जो है वो नियरली 50% ऑफ द पेपर होता है। मतलब पेपर का 50% यही एडवांस होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और अर्थमेटिक में आपके बचे हुए सारे चैप्टर्स आ जाते हैं दोस्तों, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, एवरेज, रेशियो, मिक्सचर, इस प्रकार के जितने भी सारे चैप्टर होते हैं, LCM, HCF, सिंप्लीफिकेशन, सारे चैप्टर अर्थमेटिक में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप 2 बाइफर्केशन बना के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, एक होता है अर्थमेटिक और एक होता है एडवांस। इन सारे टॉपिक्स की फ्री प्लेलिस्ट यूट्यूब पे पूरी तरीके से डली हुई है, चाहे वो 2 साल पुरानी है चाहे 1 साल पुरानी है। दोस्तों आपको अगर बेसिक्स अच्छे से पता होंगे तो सारे फॉर्मूले वही लग के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सारे के सारे टॉपिक्स की मैंने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डलवा दी है, आप उसे देखना चालू करें। प्लस इसी के साथ आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो किरण नाम की बुक से करनी है। अगर आप एकदम बिगनर हैं तो आपको किरण की किताब उठाना है और किरण की किताब से जैसा आपने आज पढ़ना चालू किया, मान लीजिए परसेंटेज उस वीडियो से जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो परसेंटेज के क्वेश्चन आप किरण से करना चालू करेंगे। आपको जब तक आप परसेंटेज देख रहे हैं तब तक आपका किरण से भी परसेंटेज एक बार प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैथ्स एक पिक्चर की तरह होती है। अगर आप सिर्फ उसको देखते रहेंगे तो आपसे कुछ नहीं होगा। जैसे हम मूवी देखते हैं और उसके बाद वो मूवी थोड़े दिन में हमारे दिमाग से निकल जाती है, तो वैसे ही यहां पे भी होता है। आपको क्या करना है, मैथ्स के परसेंटेज की पिक्चर देखने के बाद आपको खुद प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी, क्योंकि पूरा जो मेन गेम होता है वो डिपेंड होता है प्रैक्टिस पे। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे दोस्तों तो आपके मोस्ट एंड मोस्ट क्वेश्चंस बनेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि मुझसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में हर कोई जब पहली बार कुछ करता है तो उसे बहुत दिक्कत आती है। हो सकता है कि आप परसेंटेज पढ़ने जाए तो आपसे बहुत सारे नए क्वेश्चंस ना बने, लेकिन अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो धीरे धीरे आपसे चीज़ें बनेंगी। मैं आपको पूरा का पूरा मटेरियल फ्री में दे रहा हूँ, आप खुद जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, पूरा सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री मिलेगा। प्लस इसी के साथ किरण की किताब जो है वो आपको परचेस करना पड़ेगी, लेटेस्ट वाली ले लें जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। वो किरण की किताब से आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं, उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी गेन होगा और इस तरीके से आप अपना मैथ्स मैक्स टू मैक्स 3 महीने में पूरा खत्म कर सकते हैं। मेरी टारगेट सीरीज पर जाइए, आप CHSL की देख सकते हैं, आप 90 दिन भी पूरे नहीं हुए और हमारा मैथ्स कंप्लीट होने वाला है। हो सकता है, मान सकता हूँ, 1-2 टॉपिक हमारे छूटे होंगे, लेकिन दोस्तों इतना टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं और जितना इस मार्केट ने हुआ बनाया हुआ है।
तो मैथ्स की ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी थी जो आपको फॉलो करनी है। इसी के साथ मैथ्स में रिवीजन बहुत जरूरी होता है। रिवीजन करने के लिए दो चीज़ें हम फॉलो करते हैं, एक तो होते हैं क्विजेस, कि अगर आपने जैसे आज परसेंटेज प्रॉफिट लॉस आपके खत्म हो चुके हैं और अगर आप SICI पे आ रहे हैं तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस की डेली एक ही क्विज तो मिनिमम लगाए। अगर आपको क्विज नहीं मिल रही है तो दूसरा तरीका होता है कि जिस भी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे थे उस बुक से 10-10 क्वेश्चन उनके डेली लगाएं बस। ऐसे ही अगर आप 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, 11वां चैप्टर आप कर रहे हैं तो पहले के 10 चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन लगाएं। वरना क्या होगा दोस्तों कि जो पहला चैप्टर आपने 10 चैप्टर्स के पहले पढ़ा था उस चैप्टर्स का क्वेश्चन आप नया आप लेने बैठेंगे तो आपके दिमाग से वो चीज़ उड़ जाएगी। इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और एक बार आपके 15 से 20 चैप्टर हो जाए, आपका सिलेबस कंप्लीट होने लग जाए, तो उसके बाद आप खुद अपने तरीके से मॉक टेस्ट देकर अपने आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एक मैथ्स की कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो जो आपको कंपलसरीली देखना चाहिए। बिना मैथ्स के SSC में सिलेक्शन आज भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना मैथ्स का आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। और मैथ्स अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सबके सामने रोने से मेरा मैथ्स अच्छा हो जाएगा तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मैथ्स को अच्छा करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपनी जी जान पूरी तरीके से लगाना पड़ेगी। तो चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, आग लगा दीजिए, दिल लगा लीजिए और पूरी तरीके से मैथ्स को झोंक दीजिए। सिर्फ आने वाले 3 महीने के लिए मैथ्स को अपना बना लें। एक बार मैथ्स आपने अपना बना लिया तो आप बहुत कुछ कर लेंगे। आज से ही मैथ्स करना चालू करें। आप देख सकते हैं CGL 2023 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैंने खुद ने डेडिकेटेड सीरीज चलाई है, उसमें मैथ्स करवा रहा हूँ और 5 चैप्टर कंप्लीट भी होगा। और आप देखिएगा आने वाले 2 महीने के अंदर मैं पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करवाऊंगा विद प्रैक्टिस। तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। मैंने ये रेमो सर के यहाँ पे भी कहा था कि 6 महीने अगर आप अपने आपको कमरे बंद कर लेंगे 5 से 6 महीने तो SSC नॉट पॉसिबल है। मैं ये बात आज भी बोल रहा हूँ। आप लोग ने वहाँ पे बहुत कमेंट किए हैं कि भैया 2 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी डेडिकेशन से चीज़ें करना चाहते हैं। मैं ये बात बोलता हूँ कि किताब मैथ्स की 2 बार आप कर लोगे तो मैथ्स आपसे पूरा बनेगा। एक बार आप थ्योरी के साथ में करो, उसके बाद वापस प्रैक्टिस करो, ठीक है। लेकिन आप करना नहीं चाहते हो, आपको बस आके फालतू के कमेंट्स करना है कि ये पॉसिबल नहीं है, सब झूठ है। तो झूठ आपके लिए है क्योंकि आपने वो आज तक चीज़ कभी करी नहीं है और आपको आप खुद मेहनत नहीं करना चाहते। तो अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। टेलीग्राम चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे जरूर ज्वाइन हो जाए। कुछ भी बकवास आपको ना मेरे कभी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी ना टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। यहाँ पे एकदम सच्चाई वाली बात होती है। और दोस्तों जल्दी मैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी एक टारगेट सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा है IBPS अपना कैलेंडर बिल्कुल पंचुअलिटी के साथ हर समय निकाल देती है और इस साल भी निकाला हुआ है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने जो है वो बैंकिंग वालों के लिए बहुत क्रुशियल होते हैं। उसमें उनके सारे PO और ऑफिस असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क से पेपर होते हैं, तो उनके लिए भी एक टारगेट सीरीज हम प्लान कर रहे हैं और वो जल्द आएगी। तो अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, चैनल जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।